रास्ता किसने बंद किया? रानी वो सिर्फ मेरी होगी। हाय रानी सिर्फ राजाओं की होती है और जो मैं हूँ, समझा? अच्छा गुलामों की नहीं होती। देखा, बोला था ना रानी सिर्फ राजाओं की होती है। अब देख कवर कैसे निकलता हूँ, देख देख। लेकिन हुकुम का इक्का तो मैं हूं ना। नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। सही गलत और अच्छे बुरे का सबक सिखाने वाले पाठ हम सब ने बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ असल जिंदगी के मुहावरे हम खुद लिखने लगते हैं। पर जिंदगी एक ना एक दिन हमें वो सबक जरूर सिखा देती है जिन्हें हम कागज की रद्दी समझ कर अपनी मासूमियत के साथ बेच चुके होते हैं। आज का ये केस सही गलत और अच्छे बुरे की धारा में बह जाने वालों की तरफ इशारा करता है कि जिंदगी में ये अहम मोड़ हमेशा खुशियों के पैगाम नहीं लाता, कभी दर्द भरे लम्हात लाता है तो कभी जुर्म की तरफ रास्ते खोल देता है। शाहिद ने बड़ी देर कर दी, ये क्या थे? कांदा ले लो कांदा, ओ भाजी ले लो भाजी, ओ भाजी वाला भाजी वाला, कांदा वाला आ गया है भाई, कांदा ले लो कांदा। ये है जावेद मियां के बादाम वाले कुल्फी और ये है शाहिद मियां के मलाई मार कुल्फी। शाहिद कुल्फी चटाना यार, उसी की खाना, मेरी मत खाना। अरे बेटा सुन ना, शाहिद को देखा कहीं? नहीं नहीं देखा। कहाँ गया? अभी तक स्कूल से नहीं लौटा। शाहिद को देखा कहीं? अभी तक वो स्कूल से नहीं लौटा। वो तो स्कूल के सामने आइसक्रीम खा रहा है। आइसक्रीम खा रहा है? हे शाहिद, तेरी कुल्फी हुई पानी में, वो देख। अरे मतलब तेरी अम्मी आ रही है। शाहिद रुक रुक, आगे जा रहा है। तुझे कितनी दफा बोला मैंने ये कचरा मत चाटा, अम्मी लग रहा ये सड़क की चीजें मत खाया कर और ये शैतान के शहजादे से दूर रहा कर। अरे आप भी, अरे जवान पे थोड़ा मिट्टी रखा करो। अरे आपके उनका से बच्चे पूजा से बेचारे घबरा जाते हैं। अच्छा आप हो कि बिना मंजन की एक पान चबाते रहते हो पूरा दिन और मुझे मिश्री चबाने की नसीहत दे रहे हो, और तुम्हारे जैसे मिलावट खोर कुल्फियों में नशीले स्वाद मिलाकर बेचते हो। रुको, ये लो बीमारी, अभी 25 रुपए की पर्ची लगाकर बेचते हो। अरे दोजाक में जाके सड़ेगा दोजाक में, ये लो। अरे चल, अरे 25 रुपए का नुकसान कर दिया, अरे अपने बच्चे को संभालो यार, हमारे धंधे पे 2,00,000 मार दियो। शाहिद बेटा ये देखो मैंने सेवैया बनाई है तुम्हारी। नहीं अम्मी नहीं, मेरा पेट भरा हुआ अम्मी। हाँ पेट तो भरेगा ही ना, उस कचरे का कचरा जो चाट लिया है। चलो मुँह खोलो मुँह खोलो। बेटा मैं सारा दिन मेहनत करके तुम्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहती हूँ, तू है कि वो 25 रुपए की कुल्फी खाने में 5 मिनट नहीं लगाता। अम्मी क्यों ऐसे करते हो? माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। अच्छा बेटा कल ये रास्ता किसने बंद किया? कौन है भाई?
हेलो, हाँ पीएसए शिंदे बोल रहा हूँ, मालवानी गली नंबर 4 में जल्दी से एम्बुलेंस भेज देना। फहीम अहमद, पहले इसे मारा और फिर इत्मीनान से आइसक्रीम खाया। पेपर मिला आइसक्रीम बॉक्स के अंदर, पकड़ो। सुधर जाओ नहीं तो बुलेट का सामना करना पड़ेगा। बुलेट? देखिए घबराइए मत, उम्मीद है आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, हम उन्हें जल्दी पकड़ भी लेंगे। कैसी कंडीशन है? सर क्रिटिकल, ट्रीटमेंट चल रहा है लेकिन कहना बहुत मुश्किल। सर विक्टिम के पॉकेट से एक कार्ड मिला है, इसके हिसाब से इसका नाम फहीम अहमद, कोलेगांव का रहने वाला है। सर ये उसकी माँ है। सर सरप्राइजिंग बात यह है कि ना इसके आइसक्रीम के ठेले से पैसे चोरी हुए हैं ना इसके पर्स से। मतलब ये हमला चोरी के इरादे से नहीं हुआ है? आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं। अरे बेटी ला। हाँ। आ जावेद आया। शाहिद मैंने तुझे कितनी बार समझाया इस आदमी और उसके बेटे से दूर रहा कर, तू उनके जैसा बनना चाहता है क्या? हाँ क्यों जाता है बेटा उनके साथ? अरे अम्मी मैं इनके साथ इसलिए जाते हो ताकि मैं स्कूल जल्दी पहुँच सकूँ, और जल्दी पहुँचूंगा तो पढ़ाई भी अच्छे से करूँगा ना। अच्छा ठीक है बेटा, समझ सकती हूँ। देख मैं ना ज्यादा मेहनत करूंगी और तेरे लिए ना नई साइकिल दिला दूंगी, तू उससे जाना। साइकिल? हाँ, सच्ची? सच्ची, लेकिन उनसे दूर रहा कर बेटा, समझा ना? जा। शायद बेटा टिफिन टाइम पे खा लेना। हाँ ठीक है ठीक। गलत बुढ़ी लेके आया, दबा लेके क्या? ए बैठ। अब बैठ जी। मैं अम्मी बाय। इसी दिन तुमको भी बैठाएंगे अपनी मोटरसाइकिल पे। जीनत वो विधवा औरत थी जो अपने बेटे शाहिद को अच्छा भविष्य देना चाहती थी, और इसके लिए वो 7 साल पहले गांव से मुंबई आकर बस गई। शाहिद को अच्छी तालीम देने के लिए वो दिन रात संघर्ष कर रही थी, लेकिन बुलेट नाम का वो शब्द उनके भविष्य का वो काला अध्याय बनने वाला था जिसकी चपेट में इस बस्ती के कई और लोग भी आने वाले थे। और पुलिस उस कुल्फी वाले के होश में आने के बाद उसके साथ हुए अपराध में इस बुलेट नाम के शब्द की पहेलियों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। साहब मैं कुल्फी बेच के लौट रहा था, तभी मैंने देखा रास्ता बंद था, किसी ने पत्थर रख दिए थे साहब रास्ते। मैं पत्थर हटाने लगा तभी किसने अच्छे से वार किया। तुम्हारे फ्रीजर से ये चिट्ठी मिली, इस पे बुलेट लिखा है, ये बुलेट क्या है? तब मैं नहीं जानता किसने क्यों ये पर्ची मेरे फ्रीजर में डाली। जिन लोगों ने तुम पर हमला किया था उनको देखा था? नहीं साहब, नहीं देख सका, अंधेरा था साहब, लेकिन मैंने बशर को देखा था, शायद शायद उसने उन लोगों को देखा हो। बशर कौन है? बच्चा साहब, स्कूल के बाहर जूता पॉलिश करता। चिंदे बशर से जाके पूछताछ करो। सर सबको समझ में आया? और अगर इसको डिवाइड करेंगे ऐसे तो बनेगा 45 डिग्री का एंगल, और ये है इसका आंसर। सब नोट कर लो। अरे सना। जी भाईजान। ओह 93 93% है, 0
ये जो तेरी क्वीन है ना, ये तेरे नहीं मिलने वाली, उम्र में तुझसे बहुत बड़ी है, समझा? मेरे दोस्त, जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन ये क्वीन और ये पूरी दुनिया दोनों ना मेरी मुट्ठी में होगी। पढ़ाई पे ध्यान दो, दिखाओ क्या कर रहे हो, क्या है ये, क्या सिखा रही हूँ मैं? ए, तू बचा रहा इसका? ये फहीम है, आइसक्रीम बेचता है यहाँ पे। कुछ दिन पहले इस पे हमला हुआ था, तूने कुछ देखा है? लेकिन इसका कहना है कि जब हमला हुआ तू वहीं पे खड़ा था। लेकिन मैंने बशर को देखा था, शायद उसने उन लोगों को देखा हो। सच बता, क्यों बोल क्यों नहीं रहा, बात नहीं कर सकता क्या? रहता कहाँ है? माँ बाप कहाँ है तेरे? बुलेट के बारे में कुछ जानता है? बुलेट। अरे कुछ नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। इस स्कूल में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हुआ है। अशोक एक काम करो, तुम इसके साथ यहाँ रुको, कुछ पूछताछ कर लो, मैं जाके देखता हूँ। चलो जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सबसे पहले से किसने देखा? मैं यहाँ जब आई क्लासरूम खोला तो मैडम को नीचे पड़े देखा। तुम्हारी प्रिंसिपल मैम स्कूल सुबह कितने बजे आती? साहब मैडम रोज सुबह 9 बजे आ जाती है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन साहब कल शाम में वो स्कूल में रुकी थी, कुछ काम था। साहब ये स्टूल स्कूल की दीवार के पास मिला, हो सकता है जिसने भी हमला किया हो स्टूल का इस्तेमाल किया था स्कूल की दीवार फाड़ने के लिए। आसपास चेक करो, कुछ और मिलता है क्या? ठीक है जल्दी। ये बैग तुम्हारे मैम का है? हाँ साहब। बैग यहाँ है, मोबाइल यहाँ है, मतलब चोरी के लिए नहीं हुआ, जो भी हुआ है। शिंदे सर, इस प्यून के बयान को क्रॉस चेक करो, हो सकता है कुछ छुपा रहा हो। एक जगह एक आइसक्रीम वाले को बुरी तरह से जख्मी किया गया था और दूसरी तरफ एक स्कूल की प्रिंसिपल का सर मूंद कर उसे शर्मसार किया गया था। क्या इन दोनों केसेस का आपस में कोई कनेक्शन है और बशर का इन सब से क्या ताल्लुक है? वो क्यों भाग गया था? शिंदे पता करो, ये कुल्फी वाला और स्कूल की प्रिंसिपल, क्या इन दोनों में कोई ऐसा कॉमन कनेक्शन है? सर शुक्रिया। ले नफिया, अस्सलाम वालेकुम, ये लो ड्रेस, अच्छा है ना? हाँ बहुत अच्छा है। नफिया पैसे चाहिए, पैसे देना तो? हाँ कल दूंगा।
नहीं नफिया, आज ही चाहिए, थोड़ा काम है। पैसे दे दो ना। मैं बोला ना कल दूंगा, कल आके लेके जाना। नहीं नहीं नफिया, आज ही चाहिए मुझे, मुझे थोड़ा काम है, दे दो ना। अरे अरे शायद बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल से जल्दी आ गया आज? वो हेडमास्टर्स पे किसी ने हमला कर दिया, इसीलिए स्कूल में छुट्टी दे दी। अरे मुझे चाहिए आज ही पैसे, नफिया मुझे पैसे दिला दे। अरे मैं क्यों दो पैसे, दबा गया से कुछ माने नहीं जाते, तो गलती तेरी है। मेरी गलती है, लेकिन बकरी तो तेरी है ना, तेरे जैसे आपसे आप। बढ़िया है, पैसा मांगने वाली। मैम किसने हमला किया था आप पर, आपने कुछ देखा था? नो सर, मैं उस रात स्कूल में थी। I had some urgent papers to check. मैं लेट नाइट तक काम कर रही थी, तभी मुझे किसी की सीटी बजाने की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर आके देखा तो कोई क्लासरूम का दरवाजा खटखटा रहा था। मुझे लगा कोई गलती से क्लासरूम में बंद हो गया। जैसे मैंने क्लासरूम का दरवाजा खोला, वैसे ही लाइट चली गई और किसी ने कुछ बहुत कस के मेरे सिर पर मार दिया और मैं वहां बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चला। आपको किसी पर शक, कौन ऐसा कर सकता है आपके साथ? आपकी किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा या रंजिश? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि कोई मुझे इस तरह क्यों भला मारेगा। ठीक है सर, जब कुल्फी वाले फहीम पे हमला हुआ था तो वहां बशर था। हो सकता है बशर इस गैंग का मेंबर हो, लेकिन एक 8-9 साल का लड़का गैंग में करेगा क्या? शिंदे, सबसे पहले इस बशर को ढूंढ, ये बशर ही हमें बताएगा इन हमलों के पीछे किसका क्या कनेक्शन है। वो आपसे थोड़ी बात करनी थी होमवर्क के बारे में। तुम्हें पता है ना आज कोचिंग क्लासेस नहीं है। बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। जो भी बात करनी होगी कल करेंगे, ओके? बशर को बुलेट के बारे में कुछ पूछा? से पूछा था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट पहले हमें लगा था कि वो गूंगा है, लेकिन पूछताछ के दौरान पता चला कि एक जमाने में बात किया करता था, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद उसने बात करना बंद कर दिया। इसके अलावा सर, स्कूल के दीवार के पास हमें जो स्टूल मिला है, इससे ये साफ है कि जिन्होंने भी दीवार फांदी थी वो कम हाइट के लोग। सर सर, बशर के जूता पॉलिश करने पेटी से उस्तरा मिला। शमीमा के सिर को मुंडा गया, उसके सिर पे कट मार्क्स भी थे। हो सकता है हमला इसी से किया गया। इसे फॉरेंसिक के लिए भेज दो और शमीमा के खून के साथ इसे मैच करवाओ। सर हेलो, क्या? ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर बशर को एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाते हुए देखा गया। देखो बशर कहीं मिलता है क्या? सर सर, बुलेट सर, उस पर्ची में भी बुलेट लिखा था, कहीं ये बुलेट और इसका मालिक। आइए जल्दी आइए, आइए सर। सर ये देखिए, चिन्ह चेक करो। सर तुम लोग आसपास देखो, कुछ मिलता है क्या?
तो नाम शादाब मलिक है। अगर ये बुलेट है तो फिर इसे किसने मारा? ये ऐसा तो नहीं कि तुम्हें बुलेट की बात सुननी चाहिए थी। फिर से बुलेट शिंदे, जो चिट्ठी हमें पहले मिली थी और ये चिट्ठी की हैंडराइटिंग दोनों मैच नहीं करते। देखो। राइट सर। पर सर, पहली जगह जहां हमें चिट्ठी मिली थी वहां जानलेवा हमले हुए थे, पर इस बार मर्डर। सर ये देखिए, शाहिद खान, मालवणी गवर्नमेंट स्कूल। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस पर हुआ हमला भी बुलेट से जुड़ा नजर आया। अब पुलिस को लगने लगा था कि बुलेट शायद किसी गिरोह का नाम होगा जो एक के बाद एक इन अपराधों को अंजाम तक पहुंचा रहा था। लेकिन अपराध के बाद धमकी भरे शब्दों का ये नोट क्यों छोड़ा जा रहा था? आखिर ऐसा कौन था जो जानलेवा हमला करके सुधर जाने की हिदायत दे रहा था? शादाब यही रहता है? हाँ साहब, वो मेरे शोहर है। क्या बात है? सॉरी, पर किसी ने उनका मर्डर कर दिया। अम्मी, कैसे हो गया? एक कंस्ट्रक्शन साइट पर उनकी लाश मिली। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं। घबराए हुए क्यों? बोलो कुछ। कुछ नहीं हुआ पापा। आप किसी शाहिद को जानती है? क्योंकि जहाँ शादाब की लाश मिली थी वहाँ एक नोटबुक मिली जिसमें शाहिद का नाम लिखा है। हाँ साहब, वो हमारे पड़ोस में ही रहता है, यही सामने के घर में वो। शाहिद का शादाब के कत्ल से क्या लेना देना था? शाहिद तो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है। शाहिद, शादाब की लाश जिस कंस्ट्रक्शन साइट पर मिली थी वहाँ तुम्हारी नोटबुक मिली थी। बता सकते कि तुम्हारी नोटबुक वहाँ क्या कर रही थी? सब बच्चा है वो। उसे बोलने देंगे आप? मैं और मेरे दोस्त वहाँ कैरम खेलते हैं। देखा सब, खेलने जाते बच्चे। कौन दोस्त? बशर, निसार और जावेद। अच्छा, बशर अब कहाँ होगा? हमें नहीं पता सर। ठीक है। वैसे जीनत जी, आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं। बशर उसी स्कूल के बाद जूते पॉलिश कर रहा है जहाँ पे शाहिद, निसार और जावेद पढ़ते हैं। फहीम भी उसी स्कूल के बाहर कुल्फी बेचता है। शमीम अभी उसी स्कूल की हेडमिस्टर। शिंदे, ये चारों बच्चे वहीं खेलते हैं जहां हमें शादाब की लाश मिली। हो ना हो, इन बच्चों का इस बुलेट से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इन चारों से पूछताछ करते हैं। सर, साहब जरा हमारी बात को समझने की कोशिश करो साहब, जरा तसल्ली से सोचो साहब। अरे हम बहुत छोटे लोग हैं साहब, बड़ी मेहनत से अपना पेट भरते हैं। इस बच्चे का इस केस से क्या लेना देना साहब? आप खामों का ही शक कर रहे हैं साहब। अरे बच्चा है साहब, चला गया होगा खेलते खेलते कैरम खेलने। आप यकीन माने साहब, इसने कोई खून नहीं किया। नहीं सर बेटा, एक बार अच्छे से सोच के बताओ, क्या तुमने कभी बुलेट नाम सुना है? बुलेट? नहीं सर, मैंने कभी नहीं सुना। इसे कुछ नहीं पता साहब,
अरे हम मेहनत मजदूरी करते हैं साहब, दिन भर मेहनत करते तब दिहाड़ी की कमाई कमाते हैं साहब। यहाँ खड़े रहेंगे तो आप समझो आज हमारे शाम को चूल्हा भी नहीं जलेगा साहब। मेहरबानी करके हमको जाने दो साहब, इसे कुछ नहीं मालूम। जावेद डरो नहीं, सच से बता दो बुलेट के बारे में क्या जानते हो? नो सर, मैं कुछ नहीं जानता। बशर को तो तुम जानते ही होंगे, बशर को कभी किसी अनजान शख्स के साथ देखा है तुमने? नो सर, वो हमारे साथ खेलता जरूर है या फिर अपनी दुकान पे काम करता रहता है, पर हमने किसी अनजान आदमी के साथ उसे नहीं देखा। अच्छा, बशर अब कहाँ होगा? मुझे नहीं पता सर कहाँ होगा। क्या आप जानती है कि बशर इस वक्त कहाँ होगा? आप ये जवाब जीनत और उसके बेटे से पूछिए, वो बशर के ज्यादा करीब थी और सब जन जानते हैं वो कुल्फी वाले के साथ और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ उसका पंगा था। अरे ऐसे कैसे मेरे बेटे को? अरे रुकिए, हटिए आप, मुझे मैडम से बात करनी है। सर उसकी ये मजाक कि वो मुझ पर उंगली उठाए, इससे पहले वो खुद के दामन में झांक के देखे। उसका आदमी शादाब बेहद ही घटिया इंसान था, तरिंदा था वो, औरों को तकलीफ देने में मजा आता था उसे। पता नहीं कौन उससे नफरत निकाल गया। जरा जरा चल चल निकल यहां से। सुन, और आप भूल कर भी इधर आने की कोशिश मत करना, जा चला यहां से। इतना ही नहीं, वो दरिंदा अपनी बीवी और बच्चों को भी मारता पिटता था। एक मैं ही नहीं, सबको उससे नफरत थी। तो हेडमिस्टर सर कुल्फी वाला, उनके बारे में क्या कहना? सर अकेली मैं ही नहीं थी जिनसे उन दोनों का पंगा हुआ था, सबको उन दोनों से तकलीफ थी। 10 अगस्त की रात 10 और 11 बजे के बीच कहाँ थे तुम? ऑर्डर देने गई थी मैं, सड़क पर ही थी तब। इतनी रात को तुम क्यों डिलीवरी देने गई? सर मैं दिन भर मेहनत करती हूँ ताकि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकाल सकूं। तुम्हारी इस बात की कोई गवाही दे सकता है? नहीं साहब, पर यकीन करिए मैं सच बोल रही हूँ। मतलब शादाब के मर्डर के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं? साहब ये सवाल आप शादाब के औरत को क्यों नहीं पूछ लेते? शादाब दूसरी शादी बनाने वाला था। हाँ, वो शादी करने वाला था और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी वो 12 साल की थी। मेरी फूटी नसीब कि मैं अपने ही सौतकी से सजा रही थी। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? मैं डर गई थी साहब। डर गई थी क्योंकि तुमने शादाब को मार डाला था, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सौत ला रहा था। नहीं साहब, मैंने नहीं मारा, वो तो मेरे शौहर थे। शादाब ऐसा ही था, वो सबको पैसा उधार ही देता था और लड़ाई झगड़े में माहिर था। वे? अरे अरे शादा भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहा? अरे शादा भाई मैं दूंगा पैसे, मैंने कब मना किया? सुन, अगर मैं उधार देना जानता हूँ ना तो लेना भी जानता हूँ। अरे हाथ हालक में डाल के ना थोड़ी खींच लूंगा बाहर, समझा? हाँ सब हमें पता था, शादा वैसे ही था, 14 साल की सानिया से वो निकाह करने वाला था। ये शादा की शादी किससे हो रही थी? आतिफ की बेटी से। और ये आतिफ शादी के लिए तैयार कैसे हो गए? आतिफ ने शादाब से काफी कर्ज लिया था और वो कर्ज चुकाने की उसकी हैसियत नहीं थी। वो बेचारा गरीब चमड़े का काम करता था, जूते बटवा बनाने का। वो इस नौकरी से वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता था, तब शादाब की नजर उसकी बेटी पे कर। अरे आप बेटे से आए ना भाई, चाय छिजोड़ी रहेगी हमारी। तुम्हारा सारा कर्जा माफ, बस निकाह हो जाने दो। बड़ी मेहरबानी भाई आपकी, बड़े मुफलिसी के दिन गुजर रहे हैं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, शादाब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसकी मौत 13 अगस्त को सुबह 10:30 के आसपास हुई। पहले उसे बहरे में से पीटा गया, फिर उसके सिर पे पत्थर मार दिए। सर पहले भी दोनों केसेस में कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार सिर्फ मार पिटाई नहीं हुई है, मर्डर भी हुआ है। सर मैंने इंक्वायरी की तो पता चला कि शादाब उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सुपरवाइजर का काम करता था, लेकिन पिछले 2 महीने से काम बंद है। तो हो सकता है शादाब की मौत में आरिफ और उसकी फैमिली का हाथ, क्योंकि शादाब उनकी बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता है। लेकिन शादाब के मर्डर का कुल्फी वाले से और स्कूल के प्रिंसिपल से क्या लेना देना है, और इन सबका बशर से क्या कनेक्शन है, ये पता करो। सर
कहाँ था तू? ठीक है ना? पुलिस पीछे पड़ी है? मेरे पास तेरे लिए एक बहुत सही जगह, चलेगा मेरे साथ? आतिफ। जी साहब। शादाब को तो जानते ही होंगे। जी साहब। उसी से तुम्हारी बेटी की शादी हो रही है ना? जी साहब। कहाँ है तुम्हारी बेटी, बुलाइए जरा। ये क्या उम्र होगी इसकी? 14 साल। नाबालिग लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है। ले चलो इन दोनों को। हम गरीब लोग अपनी औलादों को कैसे पालते हैं साहब, ये हम ही जानते हैं। पर घर में अगर बेटी है तो उसकी शादी एक ना दिन तो करनी है ना साहब। बच्चे की शादी करना कोई गुनाह हो गया? बच्चे की शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन नाबालिग बच्चे की शादी करना ये गुनाह है। साहब हम गरीब लोग हैं, हमारे यहाँ बेटी मतलब बोझ होती है, हमारे तो खुद के खाने के लाले हैं साहब। ऊपर से उसको पालना बहुत मुश्किल था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था साहब। इसका मतलब इस शादी के लिए शादाब ने तुम लोगों को मजबूर नहीं किया? अल्लाह माफ करे साहब, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। और वो तो हमारी रुपया पैसों से मदद कर रहे थे साहब, पर ऐसे इंसान की हम क्यों जान लेंगे साहब। शिंदे आतिफ आणि साजिया, चार्जशीट फाइल करा। हो सर। सर जिन्नत के बयान को क्रॉस चेक किया, उसके पड़ोस के और क्लाइंट्स के हिसाब से वो क्राइम सीन पे नहीं थी, पर किसी ने भी उसके बारे में कुछ बुरा नहीं बोला है। सर ये सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग, ये चाइल्ड मैरिज, कुल्फी वाला, शादाब, इन सब का बशर के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है? और उस स्कूल की हेडमिस्ट्रेस, उसका ये सबसे क्या लेना देना होगा? हो सकता है कि वो हमसे कुछ छुपा रही हो। भाई साहब आपने शाहिद को देखा कहाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता कहाँ गया, इतनी रात हो चुकी है, बच्चा कहाँ गया? भाई साहब आपने शाहिद को देखा कहीं? नहीं देखा। कहाँ ढूंढ? सना सना जी, शाहिद आज पढ़ने आया था तुम्हारे पास? जी आया तो था पर काफी देर पहले चला गया। चला गया जी। कहाँ गया ये? अरे ये रहा शाहिद। शाहिद शाहिद बेटा कहाँ गया था तू? मैं कितनी देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें, चल घर पर चल। सर बशर के सामान से जो उस्तरा मिला था उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक उस्तरे के साथ जो खून और बाल मिले थे वो हेडमिस्ट्रेस की है। इसका मतलब बशर इस सब में इन्वॉल्व है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, एक छोटा सा बच्चा ये सब क्यों करेगा? कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मोहरा बनाकर ये सब कर रहा हो? सर उस बुलेट के बारे में भी अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। और एक बात, ये फहीमा और शमीमा पर सिर्फ हमला हुआ था, लेकिन शादाब का मर्डर हुआ वो किसने किया हो? समझ में नहीं आ रही, एक छोटा सा बच्चा ये सब क्यों करेगा? कि ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मोहरा बनाकर ये सब कर रहा हो? सर उस बुलेट के बारे में भी अब तक हमें कुछ पता नहीं चला। और एक बात, ये फहीमा और शमीमा पर सिर्फ हमला हुआ था, लेकिन शादाब का मर्डर हुआ वो किसने किया? हाँ बोल। हाँ सर एक चौंकाने वाली बात पता चली। क्या? आतिफ और शाजिया की एक बड़ी बेटी भी थी, राइजा। जी साहब। कहाँ है वो? उसका इंतकाल हो गया साहब। कैसे?
मैं बताऊं, उसकी भी शादी 14 साल की उम्र में की थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसी में उसकी मौत हो गई। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। किससे शादी की थी उसकी? फहीम कुल्फी वाले से साहब। बेटा अपनी बहन राइजा के बारे में सब कुछ साफ साफ बताओ। मेरी अम्मी अब पूरे मेरी बहन राइजा की शादी कुल्फी वाले फहीम से करवा दी थी, जब वो सिर्फ 12 साल की थी, और 10 महीने पहले जब वो 14 साल की हुई तो मेरी बच्ची सब ठीक होगा, अल्लाह सब ठीक करेगा राइजा, बस थोड़ी सी हिम्मत और राइजा, राइजा थोड़ी हिम्मत और कर राइजा, कुछ नहीं होगा। आँख खोलो बेटा, आँख खोल राइजा, राइजा आँखें खोलो बेटा, राइजा आँखें क्यों नहीं खोल रही है ये, राइजा हौसला रख, आँखें खोल राइजा, राइजा आँखें खोल। अरे क्या हुआ शाजिया, अरे क्या बोला, क्या हुआ राइजा को? राइजा के अब्बू, राइजा नहीं नहीं राइजा नहीं नहीं हमारी बच्ची है, चली गई चली गई। राजा को क्या हुआ? अल्लाह को प्यारी हो गई। वो सबसे बहुत छोटी थी, मेरे लिए नहीं थी। अरे इतना मार लगा है, यहाँ क्यों लेके आए हैं? और मेरा हाथ भी टूटा है, सर में भी चोट लगा है, फिर भी ले आए इधर? अरे हॉस्पिटल में रखते साहब। चुप, हमको यहाँ क्यों लेके आए? चुप। अरे नाबालिग लड़की के साथ शादी, उसे प्रेग्नेंट किया, उसे मार डाल, तेरी हालत नहीं होती ना, हड्डी पसली एक कर देता मैं। साहब इसमें हमारी क्या गलती है? अब सरकार हम गरीबों की मदद नहीं करेगी, हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएगी, तो हम क्या करेंगे? सर 12 साल की लड़की के साथ शादी तू करेगा, प्रेग्नेंट तू करेगा, और इलाज सरकार करेगी? एक बार ठीक हो जा, फिर तेरी धुलाई मैं सरकारी खर्चे से करवाता हूँ। साहब साहब बात तो सुनिए हमारी, अरे सुनिए ना। कुल्फी वाला फहीम और शादाब भले ही इस केस में पहले विक्टिम बनकर सामने आए, लेकिन जब पुलिस ने उनका इतिहास खंगाला तो पता चला कि उनका संबंध ऐसे अपराधों से जुड़ा था जो बेहद क्रूर और अमानवीय थे। फहीम आतिफ और शाजिया को चाइल्ड मैरिज करने और करवाने का एक्यूज मानकर उनके खिलाफ चार्जशीट बना दी गई, लेकिन इस अपराध के चौथे एक्यूज शादाब की अब हत्या हो चुकी थी, लेकिन उसकी हत्या क्यों हुई, किसने की, ये अब तक रहस्य बना हुआ था। क्या ये बुलेट अपराधियों को सबक सिखाने वाला कोई मसीहा था, और इस बुलेट का बच्चों से क्या संबंध था, और बशर अब तक कहां था? आसपास के एरिया में बशर का स्केच दिखा के पूछताछ करो। सर सर बशर के पोस्टर को आसपास के सभी थानों में और सभी एरियाज में सर्कुलेट किया, लेकिन कहीं से भी कोई लीड नहीं मिली। शादाब पर जब हमला हुआ था तब बशर के तीनों दोस्त जावेद, निसार और शाहिद ये कोचिंग क्लास में थे। शिंदे, मुझे लगता है कि कोचिंग क्लास के टीचर से हमें बात करनी चाहिए, कोई ना कोई लीड तो जरूर मिल जाए। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बात मानो। एक, अच्छा एक, एक, प्लीज। नहीं, एक और। नहीं, 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 सारी बात में एक और, एक और, एक और, एक और। कौन लो, अब नहीं हटा लो। पक्का? सना? जी सर। कुछ बात करनी थी। जी। 10, 11 और 13 अगस्त की रात को फहीम, शमीमा और शादाब पर हमला हुआ, जिसमें से शादाब की मौत हो गई। क्या उस रात जावेद, निसार और शाहिद तुम्हारे कोचिंग क्लास में पढ़ रहे थे? जी सर, तीनों बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, कोई क्लास मिस नहीं करते। तुम्हारी ये कोचिंग क्लास हमेशा लेट तक चलती है क्या? नहीं सर, बट एग्जाम आने वाले हैं तो मैं लेट तक क्लासेस देती हूँ, ताकि बच्चों के एग्जाम अच्छे जा सके। तुम्हें लगता है ये बच्चे ऐसा कुछ कर सकते? नहीं सर, वो बच्चे तो बहुत मासूम है, तो सपने में भी किसी का बुरा करने का नहीं सोच सकते। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? अबूजान और भाईजान। और कोई? जी नहीं, अबूजान ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं और मैं और भाईजान घर रहते हैं।
भाई कहाँ है तुम्हारा? अंदर है। बोलो। भाईजान। भाईजान बाहर। तुम कॉलेज वाले नहीं गया थी क्या? जी नहीं। दरअसल कुछ साल पहले भाईजान का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मैंने कॉलेज आना बंद कर दिया। भाईजान कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए मैं घर पर ही रहकर अब्बू जान की मदद करती हूँ। बुलेट के बारे में कुछ जानती हो? बुलेट? ये क्या है? मैं कुछ नहीं जानती। हेलो, क्या? ठीक है सर, डंपिंग यार्ड के पास एक सरकटी लाश मिली। हटो रे, साइड दो। चलो आसपास देखो कुछ मिलता है क्या। सर शिंदे चेक करो। सर दोनों हाथों पे इंजरी मार्क्स, लगता है बच्चे को बांध के रखा था, तो मरने से पहले इसने काफी स्ट्रगल की। आसपास कोई खून का निशान नहीं है, इसका मतलब इसे कहीं और मारा गया और फिर लाश को यहाँ फेंका गया। सर सर सब जगह छानबीन की, कुछ नहीं मिला। तो लाश की कद काठी को देख के लगता है कि लाश बशर की हो सकती है, लेकिन उसकी शिनाख्त कैसे करेंगे? वो तो अनाथ था। अगर ये लाश बशर की है तो इसकी शिनाख्त जीनत करेगी, क्योंकि बशर का जीनत के घर पे आना जाना था। इस जीनत को बुला कर लेकर आ। सर जीनत जी, हमें एक बच्चे की लाश मिले जिसका सिर नहीं है और हमें शक है कि वो लाश बशर की है। क्या बशर के बॉडी पर कोई ऐसा निशान था जिसे देखकर आप बता सकती है कि लाश बशर की है या नहीं? सर मैं कोशिश कर सकती हूँ, क्या मैं उसका हाथ देख सकती हूँ? जी हमें इस लाश पे से कपड़े मिले, क्या इन कपड़ों को आप पहचानती हैं? बशर बेटा, आजा। मैं समझ गई, भूख लगी है ना? आजा, मैंने शाहिद के लिए सेवइयां बनाई है, तू भी खा ले, बैठ। हाँ था, कब से ढूंढ रहा था, मैं क्लास भी जाके आ गया। ये ले बेटा, खा ले सेवइयां। अरे बशर बेटा, तेरा शर्ट तो फट गया है, मैंने ना तेरे लिए नया कुर्ता सिलाया, अभी लेके आ। बहुत मस्त है, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये देख, अच्छा है ना? पसंद आया? कुछ दिन पहले ही मैंने ये कुर्ता खुद बशर के लिए सिलाया था। मेरी आपसे एक गुजारिश है, ये बात आप शाहिद को मत बताइएगा, सब उसे बहुत दुख होगा, मैं नहीं चाहती कि उसे कोई सदमा लगे। माफ कीजिए जीनत जी, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। बशर शाहिद की सबसे करीब था, इस सिलसिले में शाहिद से भी मुझे पूछताछ करनी ही पड़ेगी। हालांकि बॉडी का डीएनए मैच करना मुमकिन नहीं था क्योंकि बशर अनाथ था, लेकिन जीनत के बयान के आधार पर यह माना जा रहा था कि जिस बच्चे की लाश पुलिस को मिली थी वो बशर ही था। और बशर की हत्या ये सवाल खड़े कर रही थी कि क्या बशर की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वो बुलेट गैंग से जुड़े राज जानता था, या फिर बशर खुद बुलेट गैंग का हिस्सा था और उसकी हत्या इसलिए हुई थी ताकि पुलिस इस गैंग के बाकी लोगों तक ना पहुंच पाए। लेकिन बशर के अलावा क्या बुलेट गैंग का शाहिद, निसार और जावेद के साथ भी कोई कनेक्शन था? Oh,
डॉक्टर बशर की मौत आधी रात को हुई, लेकिन जहाँ उसकी मौत हुई वो जगह अलग है, क्योंकि उसकी बॉडी पे जो मिट्टी मिली है वो उस जगह की मिट्टी से अलग है जहाँ उसकी बॉडी मिली है। मिट्टी को सॉइल एनालिसिस के लिए भेज दो और पता करो ये मिट्टी है कहाँ की। छोड़िए मुझे सर, सर मेरी मदद करिए, मेरा शाहिद का कुछ पता नहीं चल रहा है सर, पता नहीं वो कहाँ चला गया। खुदा के लिए मेरे शाहिद को ढूंढिए सर। कब से गायब है वो? करीबन कल शाम से, 4-5 बजे से। कल शाम से वो गायब है और आज आप कंप्लेंट लिखाने आई हैं? सर मैं डर चुकी थी सर, बहुत परेशान थी सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने उसे सब जगह ढूंढा सर, वो कहीं नहीं मिला तो मैं आपके पास आ गई। शाहिद के डिटेल्स आप बाहर लिखवा दीजिए, हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। जी शुक्रिया सर। अच्छे से तलाशी लो करके। सब घर कुछ नहीं है, क्या ढूंढ रहे हो आप लोग? मैडम यहाँ पे कुछ नहीं है सर। ये देखिए शाहिद की किताब में क्या मिला। मेरी प्यारी सना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ पता नहीं कहाँ खो जाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, देखना एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा, तुम्हारा शाहिद। क्या है ये सब? शायद ऐसा नहीं कर सकता साहब, वो ये सब ऐसे प्यार व्यार सब नहीं कर सकता साहब, मैं बोल रही हूँ ना, उसके साथ किसी ने मजाक किया होगा साहब, उसके किताब में ये सब लिखकर, मैं माँ हूँ साहब उसके, मुझे पता है ना वो ये सब नहीं कर सकता साहब। ये देखिए कागज मिले। ये क्या है? पता नहीं सब, मैं नहीं जानती ये क्या है। शिंदे, इन कागज के टुकड़ों को जोड़ो, जैसे जैसे ये टुकड़े जुड़ते जाएंगे इस केस की कड़ियां भी जुड़ती जाएंगी। सब सुनिए ना सब सर, वो कागज के टुकड़े जो शाहिद के घर से मिले, ध्यान से देखिए, हाथ से बनाए गए नक्शे जो किसी खास मकसद से बनाए गए। सर ये वो जगह है जहाँ पे फहीम पे हमला हुआ, सर वो जहाँ पे शादाब का मर्डर हुआ, दोनों नक्शों पे कोड इस्तेमाल किया गया, इससे पता चलता है कि हमले के वक्त कौन कहाँ रहे। सर ये देखिए, एन मतलब निशा, एस मतलब शाहिद, बी बशर, पर सर ये दोनों नक्शों पे बुलेट भी लिखा गया, दोनों नक्शों के ऊपर होमवर्क गैंग भी लिखा गया, तो इससे ये साबित होता है कि बच्चे किसी गैंग के मेंबर और उनके नाम का पहला अक्षर उनका कोड। तगड़ी प्लानिंग की है इन लोगों ने,
दोनों नक्शों को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास एनालिसिस के लिए भेज दिया और जो नोट हमें क्राइम स्पॉट पे मिले थी उनकी हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग मैच करा। सर ये क्या है? ये वही कागज के टुकड़े जो तुम्हारे घर से मिले थे जिन्हें जोड़कर ये नक्शा तैयार हुआ है और ये नक्शा बनाकर ही दो लोगों पर हमला किया गया और ये हैंडराइटिंग शाहिद की है। अब क्या बोलना है आपको? सब आप ऐसे कैसे मेरे शाहिद पे इल्जाम लगा सकते हैं? जीनत अभी तक तो तुमने हमें कुछ बताया ही नहीं कि ऐसा तो नहीं कि तुम्हें सब कुछ पता था और शाहिद को बचाने के लिए तुम हमसे झूठ बोल रही हो? नहीं साहब, खुदा की कसम इस बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं है साहब। लेकिन मेरे शाहिद को ढूंढ दीजिए साहब। अब शाहिद को ढूंढना हमारे लिए जरूरी है। जीनत के कॉल रिकॉर्ड निकालो और नजर रखो उस पर। बशर के बॉडी पे जो मिट्टी मिली थी उसके सॉइल एनालिसिस रिपोर्ट का क्या हुआ? सर लैब में टेस्ट जारी, उम्मीद है रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, अब जल्द से जल्द हमें जावेद और निसार तक पहुंचना है। शाहिद के कमरे से बरामद हुए कागज के टुकड़े जब जोड़े गए तब ये साफ हो गया कि बुलेट गैंग का कनेक्शन सिर्फ शाहिद से ही नहीं बल्कि जावेद और निसार से भी हो सकता है। लेकिन पुलिस इस बुलेट गैंग के बनने के मकसद और इसे बनाने वाले मास्टरमाइंड से अब तक बेखबर थी। लेकिन निसार और जावेद से पूछताछ करके इस गैंग से जुड़े हर राज को उगलवाने की कोशिश की जा रही थी। निसार, सच सच बताओ, तुम भी इस गैंग में शामिल थे ना? ये सारे अटैक तूने ही करवाए थे ना? देखिए, आप बच्चे से आराम से बात कीजिए वरना वो घबरा जाएगा। आपको जो भी पूछना है प्यार से पूछिए। देखो नहीं सर, तुम्हें मुंह नहीं खोलना है तो मत खोलो, लेकिन शाहिद ने हमें सब कुछ बता दिया है। अगर तुम अपना मुंह खोलोगे तो हो सकता है कि हम तुम्हारी मदद करें। सर मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ जावेद भी था। जावेद? हाँ, हमारा एक गैंग था, होमवर्क गैंग। बुलेट कौन है? मैंने पूछा बुलेट कौन है? वो बुलेट सना को ले आओ। सर सर मैम के भाई का उस गैर कानूनी पटाखे की फैक्ट्री में उड़ गया था, तभी से उन्होंने ठान लिया था कि जो भी बड़े लोग हैं जो भी उल्टे सीधे काम करते हैं उनसे वो बदला लेकर रहेंगी। वो तो ये सोचती है कि जैसे वो अपने भाई को इस लाचारी की जिंदगी से नहीं बचा पाई ऐसा वो किसी और दूसरे बच्चे के साथ नहीं होने देंगी। सर एक साल पहले मैंने उन्हें अपनी बहन रईजा के बारे में बताया। सर उन्हें बहुत दुख हुआ था। क्या हुआ निसार, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं काफी दिनों से देख रही हूँ तुम्हारा पढ़ाई पे ध्यान नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगी। सलाम है, मेरी अम्मी अब्बू ने मेरी बहन रायसा की शादी उस कुल्फी वाले से कर दी थी जब वो सिर्फ 12 साल की थी और 14 साल की उम्र में वो बच्चा पैदा करते करते मर गई और अब वो लोग मेरी बहन सानिया की शादी भी करवाना चाहते हैं जावेद के अब्बू शादाब। छिजोड़ी रहेगी हमारी, तुम्हारा सारा कर्ज माफ, बस निकाह हो जाने। ये क्या बकवास है और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें उन्हें रोकना ही होगा। हम उन्हें नहीं रोक सकते क्योंकि जावेद के अब्बू बहुत जालिम है। उसके बाप को तो सबक सिखाना ही होगा। और इस बारे में सना मैम ने हेडमिस्ट्रेस से बात भी की थी तो सना मैम को लगता था कि वो पढ़ी लिखी है, शायद हमारी कुछ मदद कर पाएगी। वो हमारी टीचर है ना, इसीलिए हम उनसे मदद मांगने गए थे। ये मसला मैडम, निसार की बहन को आपकी मदद की जरूरत है। अगर आपने हेल्प नहीं की तो उसका भी वही हाल होगा जो रायसा का हुआ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इस सब से मेरा कोई मतलब नहीं है और मैंने किसी की जिम्मेदारियाँ नहीं ली है। देखो आई एम वेरी बिजी, तुम लोग जाओ यहाँ से। पर मैम मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट आउट। निसार तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी बहन को कुछ भी नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? यस सर,
आई एक्सेप्ट कि मैंने आपसे झूठ बोला था, लेकिन हकीकत तो ये है कि मेरा इन सब से क्या लेना देना है। तो तुम्हारे होमवर्क गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना, बराबर? हाँ सर, हाँ, हमारी गैंग का पहला निशाना फहीम कुल्फी वाला बना। सर, जब रात को वो कुल्फी बेचकर अपने घर जा रहा था तो हमने उसका रास्ता रोका और उसे लातो घूसो झुंड से बहुत पीटा। सर, हम सबको यही लगता था कि जितने भी बड़े लोग हैं सब कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए सना मैम ने हम सब बच्चों को इकट्ठा किया और एक गैंग बनाई, होमवर्क गैंग। बस अब बहुत हुआ, अरे इन सबको सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमारी जिंदगी कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे आके कोई खेल जाए। और ये लड़का कौन है? मैम, ये मेरा दोस्त है शाहिद, इसे भी ग्रुप ज्वाइन करना है आपका, क्यों है ना? क्यों, मदद करेगा ना हमारी? अरे बोहल करेगा ना, देखा सना मैम, क्यों ना हम अपनी गैंग का नाम होमवर्क गैंग रखें। हाँ, होमवर्क गैंग, और आपका नाम बुलेट। बुलेट ठीक है, क्योंकि आप जो भी बात कहना चाहती है वो इंसान को सीधा बुलेट की तरह लगनी चाहिए, उसे ऐसी बात समझ आए तो फिर दोबारा वो ऐसी गलती कभी ना करे। ठीक है, मेरा नाम बुलेट और हमारी गैंग का नाम होमवर्क, ऐसा है तो दो हाथ। चलो अब अपन अपना काम बांट लेते हैं। निसार, तेरा काम है सब पर नजर रखना और इन्फॉर्मेशन लेना, और जावेद, तेरा काम है वो सारा सामान इकट्ठा करना जो भी मिशन में यूज होगा। ठीक है। और शाहिद, तेरा काम है मिशन की प्लानिंग करना, नक्शे बनाना। ठीक है, पर इसीलिए तुम्हारा अगला निशाना तुम्हारी हेडमिस्ट्रेस बनी। हाँ। अब ये बताओ कि शाहिद ने तुम्हारा गैंग क्यों ज्वाइन किया? सर, वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सना मैम से प्यार करता था, उन्हें इंप्रेस करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। और तुम्हारी वजह क्या थी गैंग ज्वाइन करने? मैं अपने बाप से नफरत करता था। हाँ ठीक है, ना गलत बुरी लेके आया, चल गल गया। कहीं ना कहीं मुझे अपना गुस्सा निकालना ही था, इसीलिए सोचा कि इसी बहाने लोगों को सही रास्ते पर ले आऊंगा। जावेद और निसार के बयान से ये साफ था कि इस गैंग का निर्माण सना द्वारा किया गया था, लेकिन जावेद, निसार और शाहिद को ट्यूशन क्लासेस देने वाली सना इन बच्चों को ये बदले का पाठ क्यों पढ़ा रही थी? फहीम, शमीमा और शादाब ने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन सना भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को इस कदर बरगलाया गया था कि वो सना के इशारे पर हिंसा करने पर उतारू हो गए थे। क्या बुलेट गैंग बनाने के पीछे सना का कोई और मकसद भी था? आपकी बेटी सना कहाँ है? वो बाजार गई है साहब, लेकिन अभी अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, आई क्यों नहीं अब तक? अल्लाह करे सब खैरियत से हो। अगर आपकी बेटी अब तक घर नहीं आई तो आपने उसे फोन करके पूछा नहीं कि अब तक वो कहाँ है? किया था साहब, पर उसका फोन बंद आ रहा है। जैसे वो आए हमें इन्फॉर्म करो। ये ऐसा तो नहीं कि सना इसलिए भाग गई है क्योंकि उसे पता चल गया था कि हम लोग उसे पहुंचने वाले हैं। सना के घर के आसपास पूछताछ की, सभी का कहना है कि वो सीधी सारी और अच्छी लड़की है, सब उसे पसंद करते थे। लेकिन बच्चों की बात माने तो सना ही बुलेट थी, उसने गैंग ही बच्चों के लिए शुरू की थी, तो फिर बशर को किसने मारा? पहले तो सिर्फ बड़े लोगों पर हमले होते थे, अब बच्चे भी टारगेट होने लगे। शिंदे, इस सना के मोबाइल की आखिरी लोकेशन क्या थी ये पता? जी सर, सेकंड। हेलो, ठीक है सर, बशर की बॉडी पे जो सॉइल सैंपल्स मिले थे उसकी एनालिसिस रिपोर्ट आ गई, वो मट्टी अक्सा गांव की। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, हो सकता है कि बच्चों को फहीम और शमीमा ने गायब किया हो। लेकिन सर वो दोनों तो जेल में। लेकिन जेल में रहकर वो किसी और से भी तो ये काम करवा सकते हैं। सर, सर सना की लास्ट लोकेशन पता चल गई, मलाट निक के पास।
सर मल्टीपल स्टैबिंग का केस। आसपास कहीं मर्डर पेपर मिलता क्या? देखो सर ये तो एक ट्यूशन टीचर थी, गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। बाप कांच की फैक्ट्री में काम करता है, भाई को हाथ नहीं। सर ऐसी लड़की को कोई क्यों मारे? हो सकता है इस केस से जुड़ा कोई तो राज सना के पास था, और कोई तो है जो नहीं चाहता था कि सना वो राज हम तक पहुंचाए। ऐसा कौन हो सकता है? वो जो कोई भी है बहुत ही जल्द हमारे गिरफ्त में होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर जिसे अब तक बुलेट गैंग का मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, अब उसकी भी हत्या हो चुकी थी। और ये सवाल उठ रहे थे कि क्या सना के अलावा कोई और भी है जिसकी बुलेट गैंग को बनाने में भागीदारी थी? आखिर ऐसा कौन था जिसने सना की हत्या की थी? बशर तुम्हारे गैंग का मेंबर था ना? हाँ सर, वो ना चाहते हुए भी हमारी गैंग का मेंबर बन गया था। शाहिद उसका बहुत ख्याल रखता था, और वो भी बशर भी हमेशा उसके आगे पीछे घूमता रहता था सर। धीरे धीरे वो हमारी मदद करने लग गया था, हमारा हिस्सा बन गया था सर वो। और फिर अचानक एक दिन हमारी गैंग में दरार पड़ गई, जब जावेद के अब्बू मेरी बहन सानिया से निकाह करने वाले थे। सब पता चल गया है मुझे जावेद, तेरा अब्बू मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं ना, ये सब कुछ गलत है, हमें उन्हें सबक सिखाना होगा। देख निसार, एक लफ्ज भी मेरे अब्बू के खिलाफ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख जावेद, सना मैम ने क्या कहा था, हमारी गैंग का उसूल ये है अगर कोई बड़ा गलती करता है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। भाई जो मेरी बहन के साथ हो रहा है ना सब गलत है, लेकिन मैं अपने अब्बू के साथ कुछ गलत होने नहीं दूंगा। तेरा अब्बू गलत है? क्या है पागलों की तरह लड़ रहे हो? एक बार बोला ना रूल सबके लिए सेम है, मदर सेम है। लेकिन वो मेरे अब्बू है और उन्हें कोई कुछ नहीं करेगा। ए जावेद, मेरी बात ध्यान से, ठंडे दिमाग से। जब हमारी गैंग बनी थी तो ये भी रूल बना था, चाहे वो कोई अपना भी हो उसके लिए सेम रूल होंगे, एंड रूल्स आर रूल्स। बट वो मेरे अब्बू है और मेरे रहते उन्हें कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे तुम लोग? वो जावेद हम लोगों के इसलिए खिलाफ था क्योंकि वो डरता था अगर उसके अब्बू को कुछ हो गया तो उसका और उसकी अम्मी का क्या होगा। तुम लोगों ने शादाब को क्यों मारा? नहीं सर, हमने उन्हें नहीं मारा। जब हम उन्हें पीट रहे थे तो बशर ने हमें सीटी देकर इशारा किया कि जावेद आ रहा है, और हम वहाँ से भाग निकले। हमें डर था कि कहीं उसने अपनी अम्मी या फिर किसी और को ना बता दिया, कहीं हम पकड़े ना जाए, इसलिए हम वहाँ से भाग गए सर। अच्छा, नौफिया ने हमसे झूठ क्यों कहा कि जावेद उसके साथ? शादाब का जब मर्डर हुआ तुम कहाँ थे? मैंने बताया ना सब। तुम चुप बैठो, तुमने हमसे झूठ कहा था कि जावेद तुम्हारे साथ था। अब जावेद हमें बताएगा, बताओ कहाँ थे तुम? सर, मैंने मार दिया उसको। और सर घर भी क्या सकता था मैं? मारा है ना अपने दोस्तों के साथ मिलके? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं बहुत डर गया था, मैं जानता था कि अब्बू मुझे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं कि क्या करते मेरे साथ, इसलिए डर के मारे मैंने उन्हें मार दिया। और फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए एक नोट पे कुछ लिख दिया और वहां से भाग गया। और तुम ये सब पहले से ही पता था ना? जावेद ने मुझे आकर सब बता दिया था। अब्बू को मार दिया। ये क्या बोल रहा है तू पागल की तरह? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं लेकिन मैं एक माँ हूँ, अपने सामने अपने बच्चे को जेल में जाते हुए नहीं देख सकती थी। शाहिद कहाँ है और सना और बशर को क्यों मारा? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे सच में नहीं पता वो कहाँ है। तुम्हारी बेटी ने बच्चों को इकट्ठा करके गैंग तैयार किया, लोगों को मारा पिटा, यहाँ तक कि मर्डर भी किया। मुझे ख्यालो गुमान में अंदाजा नहीं है कि सना भी ऐसा कर सकती। हाँ आपको गलत फहमी है साहब, अब आप यकीन मानिए साहब, सना ऐसा कर ही नहीं सकती है। शादाब का मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जावेद और निसार को नहीं पता कि शाहिद कहाँ है,
मुझे तो ये भी नहीं पता कि बशर और सना को किसने मारा। जावेद को शादाब मर्डर केस में अरेस्ट करो और जुवेनाइल कस्टडी में भेज दो, और वो नाफिया उसे भी अरेस्ट करो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने रुकावट डाली। सर, सर, सना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इसके मुताबिक उसका मर्डर एक लोहे की धारदार हथियार के साथ किया गया। मौत का कारण है एक्सेसिव ब्लीडिंग और शॉक। बशर का मर्डर गला काट के किया गया है, तो सना को धारदार हथियार से मारा गया है। ये दोनों मर्डर्स बहुत ही बेरहमी से किए गए। हो ना हो, इन दोनों मर्डर्स के बीच कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है। बस हमें ये पता लगाना है कि वो कनेक्शन क्या है। सर, हमें ये भी नहीं पता कि शाहिद कहाँ है, किस हाल में। हो सकता है इन दोनों मर्डर्स में शाहिद का हाथ। ऐसा भी हो सकता है। मुझे तो लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हमें दूसरे एंगल से करनी चाहिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दी हुई वर्कर्स की लिस्ट जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते। सर, ये नाम देखिए, रहमान, ये वहां काम करता है। बशर के धड़ पे जो मिट्टी मिली है वो उसी कंस्ट्रक्शन साइट के जहां पर तुम काम करते हो। इसका मतलब बशर का मर्डर तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे हुआ है। साहब, मैं तो कांच की फैक्ट्री में काम करता हूँ, मेरा बेटा वहां काम किया करता है। लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर पे तुम्हारा साइन। साहब, वो मेरे बेटे का एक हाथ नहीं है ना, इसलिए उसकी जगह मैं दस्तखत किया करता था। साहब, हम गरीब लोग, अब इस महंगाई के ज़माने में अगर मिलजुल कर सब लोग काम नहीं करेंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा। इसीलिए हबीब ने दोबारा काम करना शुरू किया। लेकिन हमने ये बात सना को छुपा कर रखी थी, क्योंकि अगर उसको ये बात पता चल जाती तो वो अपने भाई को काम नहीं करने देती। इसीलिए हबीब सना से छुप छुपा कर काम करने के लिए जाया करता था। तुम्हारे बेटे का तो एक हाथ नहीं है, फिर कंस्ट्रक्शन साइट में वो क्या काम करता था? वहाँ उसके ही हिसाब का काम दिया जाता था। अभी तो अपाइस था, कंस्ट्रक्शन साइट पे वो क्या काम करता था? सर, सच बताऊं तो बड़ा दुख होता था उसे काम करता हुआ देखकर। उसके पिताजी आए थे हमारे पास कि बच्चे को काम पे रख लो, अपाइस है लेकिन काम करना चाहता है, पैसे सबको चाहिए, तो हल्का फुल्का काम हम उनसे ले लेते थे। हबीब? हाँ साहब, हम कुछ दिन पहले देखा था हबीब को, एक ही हाथ से जमीन में खड्डा खोद रहा था। हमें लगा ये कुछ अजीब सी बात है, फिर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमें लगा कि शायद वो ये दिखाना चाहता है कि हम किसी से कम नहीं। कहाँ खोद रहा था गड्ढा? सर, वो पेड़ के पास। हबीब से मिलना है। वो तो घर पर नहीं है। कहाँ गया? क्या पता कहीं गया होगा इधर उधर। उसका नंबर दीजिए। नंबर लो। क्या हबीब के गायब होने की वजह ये थी कि सना और बशर के खून में उसी का हाथ था, या फिर ये कहानी कुछ और ही थी? पुलिस के लिए केस दिन ब दिन एक उलझन बनता जा रहा था। रॉबरी केस की अगली सुनवाई कब है? 28 तारीख। सर, हबीब की फोन डिटेल आ गई, उसका फोन अभी चालू है, किसी धारावाली गांव में है। सर, उसका फोन अभी भी चालू है, मतलब उसे इस बात की भनक नहीं है कि हम उसके नंबर को ट्रेस कर रहे हैं। कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ वो रेगुलर कॉन्टैक्ट में? जी हाँ सर। सर, एक नंबर ये है जिसके रेगुलर कॉन्टैक्ट में था, और सर इसका नाम है सुरेश, और ये तांत्रिक है। शिंदे, इस तांत्रिक को तुम संभाल, हबीब की खबर मैं लेता हूँ। थम थम दक्षिणे कालगे नमः स्वाहा। ओम क्रीम 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 होम होम ह्रीम ह्रीम थम थम दक्षिणे कालगे नमः स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम। क्या नाटक लगा रखा है?
मैं मंत्रों का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर रहा हूँ। बकवास बंद करो, हबीब कहाँ है? मैं किसी हबीब को नहीं जानता। देखो इतना तो हमें पक्का पता है, तुम हबीब से मिलते थे। बताओ हबीब कहाँ है? मैं जब हबीब को जानता नहीं तो कहाँ से मिलूंगा? अगर हबीब को जानते नहीं हो तो दिन में 10-10 बार फोन पे क्यों बात करते? साहब मेरे पास कोई फोन ही नहीं है। फोन नहीं है ना? अशोक ओम क्रीम क्रीम होम होम ह्रीम ह्रीम ठम ठम दक्षिण काल के नमस्कार। बकवास बंद करो। सर ये देखिए। अरे ये किसका फोन है? मैं बताता हूँ, मैं भस्म कर दूंगा, ले चले सर, जला डालूंगा। चला पकड़ो इसे। अच्छा मुझे मेरी बात बोलो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है साहब, हमें अंदाजा नहीं था इस कांड के पीछे तू होगा। ले चलो इसे। शाहिद 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 बैठ। शिंदे फौरन यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। अरे मेरा क्या कसूर था जो उस पटाखे की फैक्ट्री के ब्लास्ट में मेरा हाथ उड़ गया। मुझे अंदर अंदर घुटन होती थी, मैं सोचता था कि आम जिंदगी क्यों नहीं जी सकता हूं। मैं जानता था कि मैं कुछ नहीं बदल सकता हूं। मुझे इस बात का अंदाजा था। हाथ ना होने की वजह से मुझे कोई नौकरी नहीं देता था, मुझे कोई काम पे नहीं रखता था, और मुझे नफरत होने लगी थी अपने आप से। एक दिन वो बिल्डिंग का सुपरवाइजर मनोज, उसने मुझे बुलाया, उसने कहा कि तुम्हारे लायक कुछ काम है। काम करेगा? जी करूँगा ना साहब। पैसे वैसे कमाने हैं? कमाने हैं साहब। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, तो ये जो बिल्डिंग देख रहा है ना, ये सारी बिल्डिंग, इस सारी बिल्डिंग का सेठ यानी कि मालिक, वो चाहता है कि यहाँ पे एक बलि दी जाए ताकि यहाँ पर ये जमीन सोना उगले, पैसे निकले यहाँ से, बरसात हो पैसों की। आई बात समझ में? हाँ। तो तू अगर एक ऐसा बच्चा ले आता जिसके आगे पीछे कोई ना हो, अकेला हो, अनाथ हो, उस बच्चे की हम बलि यहाँ दे देंगे और उसके बाद पैसों की बरसात होगी, खूब धन वर्षा होगी, तेरी जेब पैसों से भर जाएगी। समझ रहे ना? करेगा ना? करूंगा सर। आज से धंधे पे लग जा, और जैसे ही तुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, मुझे दिलाकर और हम उसकी बलि देंगे, उसके बाद तेरी जेब मोटों से भर जाएगी। चलेगा। पैसों के लालच में मैंने हाँ कर दिया। फिर मेरी नजर बशर पे पड़ी। मैंने देखा कि बशर के ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, और बशर का आना जाना शाहिद के घर पे बहुत ज्यादा था। मुझे ये भी पता चला कि शायद मेरी बहन को बहुत चाहता है, उसका दीवाना है, उसको प्यार करता है। जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन ये क्वीन भाई, ये पूरी दुनिया दोनों ना मेरी मुट्ठी में होगी। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि क्यों ना कुछ प्लान बनाया जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बहन ही बुलेट है। बुलेट, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बशर बहुत घबराया हुआ है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है, और पुलिस को भी इस पर शक है, और अगर ये पकड़ा गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम भी बताओ बशर क्या क्या करें। मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है, सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने मना किया था ना इसको गैंग में मत लो, फिर भी तुमने लिया। अब देखना पुलिस को जब पता चलेगा तो हम सब फंसेंगे। मुझे पता था कि मेरी बहनी बुलेट है। बुलेट, अब तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। बशर बहुत घबराया हुआ है और पुलिस भी इसके पीछे पड़ी है, और पुलिस को भी इस पर शक है, और अगर ये पकड़ा गया ना तो हम में से कोई नहीं बचेगा, ये सब बर्बाद हो जाएगा। अब तुम भी बताओ बशर क्या क्या करें। मैंने कहा ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं देखूंगी मुझे क्या करना है, सब इसकी लापरवाही की वजह से हुआ है। शायद तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? मैंने मना किया था ना इसको गैंग में मत लो, फिर भी तुमने लिया। अब देखना पुलिस को जब पता चलेगा तो हम सब फंसेंगे। शाहिद सना को बहुत चाहता था, और जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना शाहिद को सही समय पर इस्तेमाल किया जाए। उसने मुझसे कहा कि उसे पता है कि सना ही बुलेट है और वो हमारी मदद करना चाहता है।
देख भाई शाहिद, मैं जानता हूँ कि तू सना को बहुत चाहता है, तेरी आंखों में दिखता है वो, लेकिन सना तुझे नहीं चाहती है। हाँ, मेरे पास एक तरीका है, अगर तू मेरे बताए रास्ते पे चलेगा तो सब कुछ तेरे हाथ में हो जाएगा, सना भी तुझसे मोहब्बत करेगी। बोल, करेगा? उसने मुझे बताया कि उसे प्लान के लिए बशर की ज़रूरत है और मैंने बशर को उसके साथ जाने के लिए मना लिया। तू घबरा मत, मुझ पर यकीन है ना? तो जिस तरह मुझ पर यकीन है, इन पे भी कर। हम दोनों का मकसद एक ही है, जा इनके साथ। मुझे नहीं पता था कि हबीब बशर की बलि चढ़ा देगा तांत्रिक के हाथों। हाँ हाँ, आधी रात को हबीब उस बच्चे को लेकर मेरे पास आया था और मैंने उसकी बलि चढ़ा दी। कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग के जगह उसकी नींव में उसका सर दफन कर दिया और उसका शरीर किसी दूसरी जगह फिंकवा दिया। जब बशर की लाश बरामद हुई और ये बात शाहिद को पता चली तो वो डर गया, भाग निकला। हमने शाहिद को बहुत खोजा, वो नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने और सुरेश ने उसे पकड़ लिया। हमने उसे पकड़ के बांध दिया, उसका सर मुंह पैर सब बांध दिया ताकि वो किसी से कुछ बोल ना सके। कितने अफसोस की बात है, तुम्हारी बहन ने जिस वजह से गैंग शुरू की थी उसकी पहली वजह तुम थे, क्योंकि उसे लगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई, किसी और के साथ नाइंसाफी ना हो इसलिए उसने बच्चों का साथ दिया था और तुमने उसे ही मार डाला। क्यों मारा अपनी बहन को? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। साहब मेरा यकीन करिए साहब, मैंने नहीं मारा ऐसा ना को। तू ऐसे नहीं निकले जादो, इसे अच्छे से पूछताछ कर। साहब मेरी बात मानो, साहब मैंने उसे नहीं मारा है साहब। पुलिस की सख्त पूछताछ के बावजूद भी हबीब अपने बयान पर कायम रहा। अगर हबीब ने सना का मर्डर नहीं किया था तो फिर किसने की थी सना की हत्या और क्यों, और बुलेट गैंग का क्या राज था? ये हबीब मुंह नहीं खोल रहे। हबीब को इतना तोड़ा, उसका एक ही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कंस्ट्रक्शन साइट के ओनर और सुपरवाइजर भी कस्टडी में है, उनका भी यही कहना है कि सना के मर्डर के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। अगर किसी को कुछ नहीं पता तो सना को मारा किसने? सर, सना मर्डर केस तो कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा। शिंदे, सना के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि सना का मर्डर किसी धारदार हथियार से किया गया था जिसको दो ब्लेड्स थे। दो ब्लेड्स? ऐसा कौन सा हथियार हो सकता है? तो मैं भी सोच रहा हूँ कि दो ब्लेड्स। हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे। संभाल के बेटा, संभाल के। अम्मी आराम। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? अपने बच्चे का भविष्य बनाने हम यहाँ आए थे और इस जगह ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। संभाल के बेटा। तो साहब, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो किया वो गलत था। बशर के मर्डर केस में तुम भी इन्वॉल्व, इसलिए जुवेनाइल कस्टडी लेकर जाने के लिए हम लोग आए हैं। अशोक, अम्मी 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 कुछ बातें तुमसे भी पूछनी है, ले चलो इसे। सुनिए तो साहब। हाँ, मैंने ही जान ली थी सना की, मार दिया था उसे। मैंने मेरे बच्चे के शाहिद के गद्दे के नीचे से वो उल्टे सीधे लव लेटर्स देखे थे। बर्बाद कर दी मेरे बेटे की जिंदगी उसने, गुमराह करके रखा था उसे। मैंने ही गुस्से में आकर वो पेपर फाड़ दिए थे। मैंने वो नक्शे भी देख लिए थे और मुझे पता था कि सना ही बुलेट है। फिर मैंने उसे खाड़ी के पास बुलाया था
मिलने के लिए। मेरा शाहिद कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तुझे नहीं पता? मुझे पता है कि तूने ही मेरे बेटे को इन झंझटों में फंसाया। बता मेरा शाहिद कहाँ? मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता। देख, मुझे सब पता है और मैं उसकी माँ हूँ, और मुझे जानने का पूरा हक है कि मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है। मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है। मुझे कैसे पता होगा आपका बेटा कहाँ है? देख, वो कहीं नहीं मिल रहा है। मैं टीचर हूँ, मैं उनको पढ़ाती हूँ, ये नहीं देखती कि वो कहाँ है। मुझे पता है ना, तू टीचर है और क्या सिखाती है उसको, मुझे पता है। क्या बोल रही हो, क्या कर रही है? तूने अगर अभी बताया नहीं ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। देखिए बता दे, देखिए मेरा ट्यूशन का टाइम हो रहा है, मुझे जा रहा है टाइम, मुझे वो मिल नहीं रहा है। बता दे, मुझे पता है, नहीं पता है सब। क्या कह रहा, मेरा बेटा कहां है? सारा मुझे, मुझे नहीं पता आपका बेटा कहां है। नहीं पता? था उसे, मैं मानना नहीं चाहती थी उसे, लेकिन वो मर गई मेरे हाथों से। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की सब। मैं मेरे बच्चे को पढ़ाना चाहती थी, पढ़ा आदमी बनाना चाहती थी, लेकिन उसने हमारी जिंदगी बर्बाद की। उसे मरना ही चाहिए था, मरना ही चाहिए था, उसे मरना ही चाहिए था। जीनत, अपराधियों को सजा देना कानून का काम है। माना कि तुमने ये सब अपने बेटे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए किया था, लेकिन जब तुम्हें वो लेटर्स और नक्शे मिले थे तब तुम्हें पुलिस के पास आना चाहिए, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी इसी गलती की वजह से तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का भविष्य बर्बाद हो गया। तुम्हारा बेटा कुछ सालों के बाद जुवेनाइल कस्टडी से छूट जाएगा, लेकिन तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। मेरा बच्चा। सर कुछ भी हो, मुझे इन बच्चों की हालत पे तरस आ रहा है। बेचारे हालात का शिकार बने। शिंदे, इन बच्चों की सोच अच्छी थी पर अंजाम देने का तरीका गलत था। काश उन्होंने पुलिस पे भरोसा किया होता तो उनका ये हश्र नहीं होता। मैं माफ कर दो अम्मी, अगली बार आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा। कहते हैं कि गलत को सही करने के लिए भी सही मार्गदर्शन और सही साथ की जरूरत होती है, वरना कब गलत को सही करते करते हम खुद गलत की राह पर चल पड़ते हैं ये पता ही नहीं चलता, और न जाने कब ये रास्ते बर्बादी की तरफ मुड़ जाते हैं। बच्चों के उठाए गलत कदम से कितनी जानें चली गई, तीन परिवार बर्बाद हो गए। सही करने की नीयत तो थी लेकिन रास्ता गलत चुना गया था, इसलिए सिर्फ बर्बादी सामने आई। बदले की भावना इंसान के अंदर बने घावों को कभी सूखने नहीं देती, और एक दिन ये नासूर लावा बनकर फट पड़ता है और अपने साथ साथ बहुत कुछ जलाकर राख कर देता है। गलत तरीके से किया जाने वाला सही काम भी हमेशा खुशी नहीं देता है, और इससे होने वाला नुकसान भी किसी पैमाइश में नहीं आता। याद रखिए, हमारा दिमाग एक भट्टी की तरह से है जो हर समय अपने विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस ऊर्जा का इस्तेमाल सही काम के लिए करना चाहते हैं या फिर गलत काम के लिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100, सबक 1 को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।